नालंदा से बड़ी खबर, AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष बिहार शरीफ पहुंचे। प्रशासन ने अख्तरुल ईमान को रास्ते में ही रोका। प्रशासन और अख्तरुल ईमान के बीच में कहासुनी भी हुई है। बता दें आपको कि AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को घेरा है। मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान हिंसा का जायजा लेने के लिए बिहार शरीफ पहुंचे थे, जहां प्रशासन ने उन्हें रास्ते में ही रोका, जिसके बाद अख्तरुल ईमान और जिला प्रशासन के बीच कहासुनी भी हुई। और इस दौरान अख्तरुल ईमान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। तो वही हिंसा को लेकर के उन्होंने प्रशासन की नाकामी बताई है। रास्ते में रोके जाने पर उन्होंने कहा कि प्रशासन सिर्फ AIMIM के नेताओं को जाने से रोक रही है। AIMIM का मैं MLA हूं, इसलिए मुझको जाने नहीं दिया जा रहा है। ये डिस्क्रिमिनेशन 144 में भी अलग लोगों के लिए अलग कानून है और मेरे लिए अलग कानून है। लगता है कि सरकार के इशारे पर ये सब कुछ किया जा रहा है कि सबको आने देना है और हमें नहीं आने देना है। क्या वजह है? चुप्पी साधेंगे हम लोग मसाइल पर, सच्चाई को नहीं जानेंगे। हम लोग तो जानते हैं ये नुकसान बिहार शरीफ का नहीं, देश का नुकसान है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिस पर भी जिस पर घर जला है, जिसके भी आंसू हुए हैं, उनका आंसू पोंछना हमारी जिम्मेदारी है। और इस बात पर जाने के लिए नहीं, एक तरफा तौर पर हम लोग को खड़ा रखा गया है यहाँ पर। ये डिस्क्रिमिनेशन है, तो फसाद हुआ है, लोगों को काबू नहीं किया। और दूसरा मामला ये है कि सच्चाई जानने के लिए भी नहीं देना चाह रहे हैं। क्या आपको रोका जा रहा था? इसके बाद क्या होगा? वैसी साहब आएंगे बिहार शरीफ? भाई हम लोग सब कुछ करेंगे, हम लोग जाते हैं, अभी जाएंगे, बैठेंगे धरने पर। नीतीश कुमार जी, क्या सबको जाने के लिए दिया जा रहा है? और आपके ऑफिस के इशारे पर आपका SDO और आपका DM यहाँ रास्ता रोके हुए हमारा।